सो गाइस, क्या आपको भी आपके आईफोन में नो नेटवर्क या फिर नो सर्विस की प्रॉब्लम आ रही है? तो मेरे को भी आ रही थी, मैंने कहा सॉल्व करी, मैं सब कुछ आपके शेयर करने वाला हूँ और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, फिर आप पूरी वीडियो देखते हो ना तो पक्का आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। बस आपको करना, मतलब वीडियो में एंड तक बने रहो, बिल्कुल स्किप मत करना। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मेरा जो ये आईफोन है इसमें ना भाई कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है भाई नो सर्विस, और पर भाई वाईफाई वगैरह तो रन हो रहा है, पर भाई दिक्कत ये आ रही है कि नो सर्विस आ रहा है। आपके फोन में भाई नो सर्विस आ रहा होगा और आपको भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी। पर अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये किस रीज़न से आ रही है। ये आईफोन के रीज़न से आ रही है, मतलब आईफोन में दिक्कत है फिर सिम में दिक्कत है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है। तो कैसे पता करोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन से जो सिम है ना उसे रिमूव कर दो। तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने सिम को रिमूव कर दिया, अब आपको सिम को रिमूव करने के बाद क्या करना है, आपको सिम को रिमूव करने के बाद दूसरी सिम को डालना है। मतलब कि अगर आपकी सिम में दिक्कत होगी ना तो आपको पता चल जाएगा, अगर दूसरी सिम आप डाल रहे हो अपने आईफोन में और वो अगर वर्क कर रही है, ढंग से वर्क कर रही है, उसमें नेटवर्क आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब कि जो दिक्कत है वो आपके आईफोन में बिल्कुल भी नहीं है। जो दिक्कत है वो क्या है, आपकी सिम में। तो सिम निकालने के बाद अगर आप जब चेंज करोगे, दूसरी सिम को डालोगे, फिर ना अगर उसमें आपको नेटवर्क आ रहा है, मतलब कि जो दिक्कत है ना आपके आईफोन में नहीं है, आज जो दिक्कत आ रही है वो आपके सिम में आ रही है। पर सिर्फ यही चीज़ें नहीं, अपन और भी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी सिम में ही दिक्कत आ रही हो, आपको सिम को साफ ऑफ करके दोबारा से डाल देना है। अब देखो, ऐसा रहता है भाई कि जब आप सिम को दोबारा डालते हो तो ऐसा नहीं है कि डाल के तुरंत नेटवर्क आ जाएगा। तो इसमें ऐसा रहता है कि कभी कभी ऐसा रहता है आप सिम निकाल के, जैसे कि मैंने अभी निकाली है, तो भाई कुछ देर पहले नेटवर्क आ रहा था, पर मैंने क्या करा था, अभी निकाल के दोबारा डालिए, तो भाई एकदम से कभी कभी नेटवर्क नहीं आता। तो आपको ना क्या करना है, एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना। जब आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर लोगे ना, तो आपको सेटिंग्स करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले सेटिंग्स पर आ जाना है। जो एयरप्लेन मोड है ना, पहले से आपको ऑन कर देना है, फिर कुछ टाइम तक इसे ऑन रहने दो, एटलीस्ट आपको एक मिनट तक ऑन रखना है। और बीच में आप ऑन ऑफ करके भी ट्राई कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने भाई साहब ऑफ कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, जो भाई नेटवर्क है ना वे दोबारा से रन होंगे आपके फ़ोन में, मतलब दोबारा से आपका आईफोन नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करेगा। जैसे आप ऊपर देख रहा होगा नो सिम अभी बता रही है, बस सिम ऑलरेडी डली हुई है। अब देखो, सिम डलने के बाद भी नो सिम कैसे दिखा सकता, सिम तो डली हुई है। तो कुछ नहीं भाई, आपको थोड़ी देर का अभी भी वेट कर लेना। अब अगला सॉल्यूशन क्या है, अब आपको करना, अब आपको आ जाना जनरल में। अब भाई कभी कार क्या होता है कि आपको जो फ़ोन है ना, आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया होता, तो पहले सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक कर लो। तो जो अभी सबसे टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है भाई iOS 16.4.1, तो आपको इस पर अपडेट कर लेना है। जैसे मेरा फुल्ली अपडेटेड ऑलरेडी है। अब इसके बाद कभी करना, अबाउट में भी आपको कुछ भाई आते हैं तो वो भी आपको कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाओ और यहाँ पे आपको क्लिक करना भाई ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। अब यहाँ पे ना भाई आपको रीसेट पे क्लिक कर लेना, और भाई ध्यान रहे यहाँ पे आपको भाई बारीकी से करनी है। लोग कई बार अपने पूरे फ़ोन को ही भाई रीसेट कर देते हैं, फ़ोन को नहीं करना मेरे भाई, आपको सिर्फ रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। और इसके बाद ना आपको सिर्फ रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करना है, ना कि आपको पूरा रीसेट करना है। तो अब इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो नेटवर्क सेटिंग्स है ना एक बार पूरी रीसेट हो जाएंगी। मतलब ये मान लो सब कुछ आपने जो वाईफाई वाईफाई कनेक्टेड होंगे ना, सब रिमूव हो जाएंगे, दोबारा से आपका दोबारा से चालू होगा। तो इससे क्या होगा, आपका फ़ोन एक बार रिस्टार्ट होगा, फिर दोबारा से ओपन होगा, फिर ये सेटिंग होगी। तो मैं भी क्लिक नहीं कर रहा, फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। अब ये सब कर लिया, अब आपने सभी कर लिया, अब भाई अब आप अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि यार भाई क्या करूँ, अब और क्या कर सकते हैं इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखो भाई, अब अगला सॉल्यूशन क्या है, आपने अपने फ़ोन में दूसरी सिम डाल के देख ली, तब आपकी सिम है ना भाई दूसरे फ़ोन की सिम आपके फ़ोन में वर्क कर रही है। आपको अपनी सिम को कोई दूसरे फ़ोन में डाल के देखना है जो आईफोन में वर्क नहीं कर रही है। अगर वो दूसरे फ़ोन में वर्क करती है, मतलब कि ये कि आपकी सिम में दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई दूसरे फ़ोन में वर्क कर रही है, इस फ़ोन में वर्क नहीं कर रही, तो क्या फ़ोन में दिक्कत है? तो भाई ऐसा ज़रूर भी नहीं हो सकता भाई। ऐसा होता है कि जो सिम रहती है ना, अपन भाई बहुत ही सालों से यूज़ कर रहे रहते हैं। जैसे कि मेरी जो सिम है, जिससे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ भाई, ये करीब 9-10 साल पुरानी होगी। अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई इसमें फिर भी नो सर्विस क्यों आ रहा है भाई। अब ऐसा रहता है भाई, जब सिम ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत आती है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको भाई अपनी सिम को चेंज करवा लेना, नंबर सेम ही रखना, सिम को आपको चेंज करवा लेना भाई। सिम ज्यादा पुरानी हो जाती है तो कभी कभी दिक्कत करती है। बाकी अगर आप चाहो तो आप सेटअप मोबाइल सर्विस पे भी कर सकते हो, पर इसके लिए आपको एक और आईफोन चाहिए पड़ेगा, दोनों पे एप्पल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन बिना इसके कर लेंगे। अब ये सब करने के बाद भाई, अब आप बोल रहे हो कि कुछ लोग की अभी भी सॉल्व नहीं हुई। जैसे कि आप देख सकते हो ना, मेरे में अभी भी नो सिम आ रहा है और ना ही भाई नेटवर्क कनेक्शन आ रहा। तो मेरे फोन की जो दिक्कत है वो फोन में नहीं है, वो है मेरी सिम में, क्योंकि मेरी जो सिम है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है।
पर आप बोलोगे क्या भाई उस सिम में नेटवर्क आता है? हाँ भाई उसमें आता है, और कभी कभी ऐसी दिक्कत भी आती है कि सिम में नेटवर्क दिख रहे हैं, ऊपर नेटवर्क शो हो रहे हैं, पर जब भाई मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ ना लिखा हुआ था कॉल फील्ड नेटवर्क फील्ड इस टाइप का लिखा हुआ आता है। अब भाई नेटवर्क आ रहा तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों? भाई ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपके सिम में ही प्रॉब्लम है। तो आपको जितना जल्दी हो सके अपने सिम को एक्सचेंज कराना है, आपके आईफोन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुछ लोग ये पूछेंगे भाई अगर आईफोन में दिक्कत आ रही है तो क्या करना है? तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। पहले आपको कॉल करना है डायरेक्ट अपने आईफोन के सर्विस सेंटर को। अब आप जब उन्हें कॉल करोगे ना तो पहले आपसे पूछेंगे क्या आपने दूसरी सिम डाल के ट्राई करा, 3-4 सिम आपने दूसरी ट्राई करी? तो आप बोलोगे हाँ भाई मैंने ट्राई करी फिर भी नहीं हो रहा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट उनके पास जाओ, फिर वो आपको खुद बताएंगे कि भाई क्या आपकी प्रॉब्लम है, फिर आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देंगे। तो भाई यही कुछ सॉल्यूशंस है जिससे आप इजीली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब आप बोलो कि भाई आपका नेटवर्क कब आएगा, ये तो बताओ। तो देखो भाई मैंने अभी अभी सिम को निकाल के दोबारा लगाया, तो अब कुछ टाइम बाद नेटवर्क आ जाएगा, मैं आपको उसका स्क्रीन रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ। अब गाइस देख सकते हो जैसे कि गाइस 12 बज चुकी है और मैंने भाई जो लास्ट एक स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी वो 11:30 पे करी थी और अभी 12 बज चुके हैं। तो भाई आप देख रहे हो कि नेटवर्क जो है ना वो आ चुका है। अब कुछ लोग अभी बोलेंगे भाई जो नेटवर्क है ना आ जाता है दोबारा चले, आ जाता फिर दोबारा चले जाता, तो भाई वो जो दिक्कत है ना आपकी सिम में आ रही है, तो जाके सिम को चेंज करवा लो। बाकी जितने भी सॉल्यूशन थे मैंने सब आपको बता दिए। होप कि आपको नो नेटवर्क और जो नो सर्विस की जो प्रॉब्लम आ रही थी आपके आईफोन में वो 100% सॉल्व हो गई होगी। तो डाउट वगैरह अगर कोई आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर आप इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।